दिन तो करीब है, 10 तारीख को रिलीज़ हो रहा है ये इसी में दिसंबर में, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी मेहनत की है हमने इस पे, और TVF के साथ पहली वेब सीरीज़ है मेरी जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और एक इतनी बेहतरीन स्टोरी जो शायद नहीं बताई गई है काफ़ी लंबे टाइम से, या मुझे नहीं लगता, मैंने पहली बार सुनी, कई चीज़ें मेरे लिए नई थी, और इसमें वही है कहानी में भी जो पीयूष है उसके लिए चीज़ें काफ़ी नई हैं, और ये दुनिया एक अलग नज़रिए से देखने का एक मौका है लोगों के लिए, तो लग रहा है मुझे बहुत ही, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ पर्सनली। जी आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं भी एक्साइटेड, तो आई थिंक हर बार जब कुछ भी बाहर आता है तो जो बटरफ्लाइज इन स्टमक होती है तो वही वाली फीलिंग है, और ट्रेलर को इतना अमेजिंग रिस्पांस दे के एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ऊपर चले गए हैं, और इसलिए भी एक्साइटेड है क्योंकि आई थिंक ये वर्ल्ड जो 9 to 5 का वर्किंग कल्चर है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सब ने एक्सपीरियंस किया है, मतलब राइटर्स ने, अमित गुलानी जो कि क्रिएटर है ऑफ द शो, बिफोर ही स्टार्टेड वर्किंग और स्टार्टेड TVF ही वॉज वर्किंग इन, ही वॉज लिविंग अ कॉर्पोरेट लाइफ, लाइक ही वॉज वर्किंग फ्रॉम 9 to 5, ऑल द राइटर्स, अदर राइटर्स ऑल्सो, विजय, अविनाश, तो सॉर्ट ऑफ उनकी बायोपिक है, हम लोगों को वो कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिला है, और हैं यार बहुत बहुत सारे रीजन्स हैं टू बी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट, और बहुत बहुत मेहनत से किया है, बहुत अच्छा लग रहा है शो. मैंने तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुझे कभी मौका मिला नहीं कि मैं जॉब पे जाऊं पहली बार, क्योंकि मैंने जॉब किया ही नहीं आज तक, बट हाँ सेट का मैं बता सकता हूँ, जिस दिन मैं पहली बार सेट पे आया था तो मैंने कैब की थी सुबह सुबह पहली बार, क्योंकि मुझे लगा था सेट पे जा रहा हूँ कैब से, तो मैं गया था पहली बार, तो बहुत ही एक अच्छी एनर्जी जो मिलती है तो मुझे TVF के सेट पे मिली, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग लोग, सब लोग और तैयार, और एक अलग कमरा जिसके बाहर लिखा है नाम मेरा अभिषेक, ये पीयूष का ऐसा कमरा है, तो वहाँ कॉस्ट्यूम वगैरह सब लगा हुआ है, लाइंड अप है, तो देख के एकदम एक ऐसे एक्टर को जो वैनिटी चाहिए होती है ना कि यार ये इसके लिए ये है जो नहीं मिलती शायद थिएटर करते हो तो नहीं मिलती, तो वो था, और सेट पे पूजा हो रही थी पहले दिन जब मैं आया, सब लोग बिल्कुल पम्प्ड अपने काम के लिए कि यार ये अब मतलब नारियल फोड़ा है तो वो अच्छा काम अब करना है, वैसी वाली फीलिंग के साथ था, तो मेरे लिए तो वही सब देख के ही मैं इतना सब चारों तरफ हो रहा था, मैंने बोला आज तो होगा कुछ, आज होगा कुछ। यार फर्स्ट डे की मेमोरी जॉब की थोड़ा सा सिमिलर एक्सपीरियंस था मेरा भी, जब मैंने कॉल सेंटर में जब जॉब की थी, दिस वाज ड्यूरिंग कॉलेज, जब मैं कॉलेज में थी, तो जो पंचिन लॉगिन आईडी होता है, तो ये स्पॉइलर तो नहीं है बट हाँ मतलब मेरा मेरा लॉगिन का इशू हो गया था यार, तो मुझे काफ़ी देर तक बैठे रहना पड़ा था, और आई थिंक निधि नाम से दो सिमिलर लड़की थी, एक निधि ओझा और एक मैं निधि बिष्ट, तो उसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन हो गया था और मैं काफ़ी देर तक बैठी रही थी, और फिर फाइनली मेरी जो टीम लीड थी, माधुरी नाम था उनका, वो आई थी और वो मुझे अंदर लेके गई थी, तो मुझे एक वो बहुत स्पेसिफिकली याद है, और फिर मुझे याद है जो आई थिंक हमने इन इन वन ऑफ द एपिसोड्स हमने वो जिया भी है वो मोमेंट, कि कुछ टीम मीटिंग हो रही है और अचानक से कोई ना अपनी घर की कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने लग गया मीटिंग के बीच में मीटिंग के बीच में, और उसके बाद कोई और अपना कुछ बता रहा है कि मेरी मम्मी भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ये कर रही है, और हाँ मतलब वो कहीं और ही कहीं और, चली हमारी टीम लीड कह रहे सुनो सुनो, अरे क्या मुद्दे गई की बात, क्या है टारगेट्स गोल्स, और तो आई थिंक वो कहीं ना बट वो कहीं हो जाता है मुझे लगता है शायद, मतलब फैमिली टाइप का वैसा हो जाता है कि आप कुछ भी डिस्कस हाँ कर सकते आप आपको लगता है एग्जैक्टली आपको वो कंफर्ट मिलता है कि यार मिलता मैं है, इससे ये भी बात कर सकते हैं सिर्फ काम के अलावा भी तो इसीलिए वो फिर फर्स्ट डे पे मैंने भी जब फिर वो शर्ट पहनी और वो पैंट पहनी और वो मैट था वहाँ पे, उस पर पैर रखा और देखा क्यूबिकल, तो मुझे लगा ये है हाँ यार ये एक्चुअली आधी फील्स तो लोकेशन पे पहुंचते ही मिल गई बहुत थी यार. बहुत रियल था, एंड सेटर्स ही हैं एक तरह से, जब बिल्कुल ही स्टार्टिंग स्टार्टिंग हुई थी, मैं इनफैक्ट जब कॉलेज से पास आउट भी हुआ था तो मैं सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट वेब सीरीज़ जो इंडिया में आई थी उस टाइम उस पर काम कर रहा था, बेक्ड उसका नाम है, और वो उस पर मैं अकेला ED था, तो मुझे कोई पता ही नहीं था कि क्या है वेब सीरीज़ भी कुछ होता है जिसके लिए इतना काम चल रहा है, टर्म भी नया था, और वो जब बन रही थी उस टाइम परमानेंट रूममेट्स निकला था, तो हम लोगों ने देख के ऐसे बोला था यार ये है कुछ, मतलब आप एक देखते हो ना वेब शो और आपको लगता है यार ये बिल्कुल ही एक अलग, तो उसके बाद से मुझे ऐसे लगता है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खुल गया है, अब इंडिया की एक तो हम लोग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, क्रिएटिव माइंड्स बहुत हैं, अब हर किसी को वो मौका नहीं मिल रहा है वहाँ जाके कहानी बताने का, या जो सब लोग मिलके कुछ 5 लोग इकट्ठा होके कुछ एक अच्छा कहना चाह रहे हैं वो मौका नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है वो बहुत लोगों ने वो दरवाजे खोल दिए हैं लोगों के लिए, आई थिंक कोई और मीडियम पता नहीं कौन लोग बोल रहे हैं कहानी सुन, पर आप जो बोल रहे हो वो काफ़ी अच्छी कहानी है और हम तो सुनना चाहते के हैं। बाद बाहर जब आप काम कर रहे होते हो
तो बाहर के सेट पे भी आपको यही एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी बात सुनी जाएगी, हमसे यू नो आके डिस्कस किया जाएगा, आई विल बी वेल इन्फॉर्म्ड कि हम क्या शूट कर रहे हैं, क्या हो रहा है अभी इस मोमेंट पे, क्या ये लाइन बेटर हो सकती है. और टीवीएफ में मैंने आई थिंक आई एम विच इज़ आई एम सो प्राउड ऑफ द कल्चर कि हर बार ये चीज़ होती है कि एक सेकंड यार ये सही नहीं लग रहा है, एक मिनट के लिए रुक जाएं, कुछ बात हो सकती है क्या इसके बारे में, ये क्यों सही नहीं कर लग रहा है, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है. और फिर हर किसी को वो फ्रीडम है कि एक्टर्स भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ए तू एडी है, तू एडी रहे, तेरा ये क्रिएटिव में यू नो कॉन्ट्रीब्यूट करने का टाइम नहीं है या तू नहीं दे बोल सकता. तो वो कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इन दिस शो, जैसा कि मैंने बोला कि क्रिएटेड बाय अमित गोलानी, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अविनाश विजय ने लिखा है, चैटी चैतन्या कुमार जिसको हम ब्लॉकबस्टर चैटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो जिस चीज़ पे भी हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती हैं, और चैटी ने डायरेक्ट किया है, उसकी टीम है अश्विन, अश्विन ने शूट किया है और बहुत ब्यूटीफुल शूट किया है. आई थिंक आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो उसको एक ग्लिम्स तो आपको मिल ही गया होगा. एडिटेड बाय आकाश बंधु, म्यूज़िक दिया है कार्तिक ने, और बहुत सारे अमेजिंग लोगों का कोलैबोरेशन है यार इसके पीछे. एक बहुत छोटा सा ट्रिविया बताना चाहूँगी कि हमारे जो चार मेन लोग हैं पोस्ट टीम में, आकाश, कार्तिक, अश्विन और चैटी, इनमें से किसी की भी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है. और जो गाना है ट्रेलर में एंड में मेरे मौला, वो इन्होंने बना दिया था. और इन्हें आई थिंक काफ़ी बाद में जाके रियलाइज हुआ कि अरे इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है, क्योंकि जो कोई भी सुन रहा था उनको धुन और फील में वो इतना सही लग रहा था कि सबको लग रहा था कि वाह क्या गाना क्रिएट किया है. और आगे जाके इन्हें कहीं लगा कि यार एक मिनट लिरिक्स सुन लो यार, कहीं पे कुछ ऑफ तो नहीं है. तो मेरे को लगता है कि यार वही है, एवरीबडी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग. एंड वो इसीलिए भी शायद वर्क करता है क्योंकि हर कोई एक्साइटेड है कि यार फाइनल आउटकम जो आने वाला है वो अच्छा होना चाहिए. तो किसी का ईगो नहीं होता, किसी को ये नहीं होता कि मैं डायरेक्टर हूँ सेट पे, मेरी सन चलेगी सिर्फ, या मैं सुपरस्टार हूँ, है ना. तो आई थिंक वो एक फीलिंग है जो बस यही है. मतलब मैं जो कह ही रहा था कि बहुत मेहनत से और बहुत दिल से हम सब लोगों ने मिल के एक कहानी, एक नया परसेप्शन है 9 to 5 जॉब्स को लेके जो होता है जनरली, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट एक चीज़ है. और बहुत मैं वही है, बहुत दिल और बहुत प्यार है इसमें जो हमने डाला है जिससे बना है ये. तो प्लीज़ 10th of December को रिलीज़ होगा. इट्स अ वीकली शो. तो मतलब वो कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता प्यार में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है. तो हर हफ्ते आएंगे एपिसोड्स ऑन YouTube एंड TVF Play. और 5 एपिसोड्स हैं, ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है. अगर आपने नहीं देखा है तो 10 दिसंबर आने ही वाला है, आप ज़रूर देखिए और बहुत मज़ा आएगा. और हम एक फ्यूचर सुपरस्टार के साथ खड़े हुए हैं अभी, तो देख लो यार बनता है. फिर आप लोग बात करोगे कि मैंने पहले अभिषेक को क्यूबिकल्स में देखा था और उसके बाद, तो ये बहुत सारे रीजन है ना.